हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोक सर। आज के इस वीडियो में हम बचे हुए 13 लेटर्स के बारे में देखेंगे कि वो लेटर कैसे बनाए जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 13 लेटर के बारे में बता चुका हूं, आज 13 बचे हुए कैपिटल लेटर्स के बारे में देखते हैं। चलिए हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट का पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम कैसे बनाए जाते हैं। ये टोटल लेटर्स हुए 13 और इंग्लिश के अल्फाबेट की संख्या होती है 26। 13 मैंने बता दिए थे, 13 मैं आज बताऊंगा। सो आई होप कि इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी लेटर से आपको अगर प्रॉब्लम हो रही तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नीचे आपको फिर से इसको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। आगे का लेटर साथ शुरू करते हैं। एम के बाद आता है आपका एन। एन बनाने के लिए आपको करना है, देखिए यहाँ यहाँ से चालू करना है और ये एक लाइन खींचना है। जिस प्रकार आपने एम बनाया था सेम उसी प्रकार बनाना है, देख लीजिए एक बार फिर से। उसके बाद यहाँ एक लाइन खींचना है ये इस प्रकार का, फिर यहाँ एक लाइन खींचना है और इसको ऐसे करना है, यहाँ आप उसको मोड़ दीजिए, ये आपका हो गया एन। एम एन एन के बाद आता है ओ। ओ बनाने के लिए आपको करना है ये ऐसा, यहाँ से आपको नीचे की ओर लेना है, नीचे की ओर लेने के बाद यहाँ पर छोटा सा कर्व लेना है इस ऊपर में, ये बन गया आपको ओ। पी बनाने के लिए आप जैसे बी बनाया था सेम वैसे ही बनाना है, यहाँ पर ला के इधर मोड़ देना है, ये लाया मोड़ दिए, यहाँ पर फिर से मोड़ना है और ये छोटा सा लाना है और ये यहाँ पर ला के इधर मोड़ना है, ये बन गया आपका पी। क्यू बनाने के लिए आपको यहाँ लाना है, ये देखिए यहाँ से मोड़ना है और इधर ला के इसको ले आना नीचे की ओर, ये बन गया क्यू। आर बनाने के लिए फिर वही पी जैसा बनाया था वैसे ही आपको बनाना है, ऐसे लाइए यहाँ ला के फिर ऐसे मोड़िए, यहाँ लाइए यहाँ ला के यहाँ लाइए और ये नीचे की ओर मोड़ दीजिए, अब बन गया आपका आर। आर बनाने के बाद एस बनाने के लिए आप नीचे से लाइए। अगर अपने फोल्ड लाइन की कॉपी उपयोग करनी है तो फोल्ड लाइन में ही बनाइएगा, बाद में आपका जैसे स्ट्रोक्स साइज में बन जाए उसके बाद आप टू लाइन में उपयोग करिए। लास्ट में आपको मैं ब्लैंक पेपर में भी लिखना सिखाऊंगा। यहाँ से चालू करते हैं, देखिए ये ऐसा लाइए, ये समझ में आया, थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा नीचे, यहाँ से मैंने ऐसे लाया, उसके बाद इसको ऐसे लाइए, इसको ऊपर की ओर ले जाइए, फिर इसको ला के ऐसा, क्योंकि आपका एस। टी बनाने के लिए सरल तरीका बताता हूँ, ये ऐसे लाइए, देखिए यहाँ पर से ला के ऐसे मोड़ दीजिए, ये बन गया टी। टी और स्टाइलिश बनाना है तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ये ला के यहाँ लाइए और यहाँ ला के मोड़ दीजिए, बन गया आपका टी। U बनाने के लिए भी ऐसे ही करना है, ये ला के यहाँ से ऊपर की ओर ले जाइए, नीचे की ओर ला के बिल्कुल स्मॉल U बनता है वैसे ही बनता है। अगर इसको और स्टाइलिश बनाना है तो आपको इसको यहाँ से ऐसे मोड़ सकते हैं, ये देखिए, और ये ला के ऐसा, ठीक है। U V भी सेम सिंपल ही बनता है, V को भी आप ऐसे ही बनाइए, ये देखिए यहाँ लाइए और इसको यहाँ मोड़ दीजिए टी और यू वी। W बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, W बनाने के लिए भी आपको ये यहाँ लाइए सेम, इसको एक एक करके बनाते हैं, W को ज़्यादा अच्छा दिखता है, ये बिल्कुल ऐसे लाइए, इसको भी ये आपका W बन गया। W X कैपिटल का X भी स्मॉल X जैसा ही बनता है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे लाइए और इसको बड़ा साइज में ले लीजिए, ये बन गया X। Y बनाने के लिए भी ये ला के ऊपर की ओर ले जाना है आपको, ध्यान रखिए Y और जो जी होता है वो लगभग समान दिखता है, तो आपको बिल्कुल उसमें ध्यान रखना है। देखिए जी इस प्रकार बनेगा आपका, ये ऐसे, और वाया बनाने के लिए आपको ये पूरा ऊपर तक लेना है, इसको ऊपर तक लेना है और इसको मोड़ के वापस ले लेना है, ये वाया और जी में अंतर है, ये आपका जी है और ये वाय है। जेड, ये कैपिटल का जेड है, ये ऐसा बनेगा जेड, ठीक है, आपको आप समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए फिर से, ये है आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये है एफ, ये है जी, ये है एच, आई, जे देखिए ऊपर की ओर है, आई और जे लगभग समान है, ये के, एल और ये एम, उसके बाद देखिए एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये दोनों टी है, यू, ये वी, ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये है वाई और ये आपका हो गया जेड। तो टोटल मिला के आपके 26 कैपिटल लेटर्स मैंने बता दिए हैं, कैपिटल लेटर्स मैंने बता दिए हैं आपको, आगे इसका प्रैक्टिस करने हैं।
कैपिटल लेटर सॉफ्ट बता दिए, आप उसको बार बार प्रैक्टिस करना। इससे आपको क्या होगा, जो शुरुआत होती है सेंटेंस की वो कैपिटल लेटर से होती है, तो आपका सेंटेंस का शुरुआत अच्छा दिखना चाहिए। तो ये इन सबको उपयोग करेंगे तो आपका लेटर्स का शुरुआत काफ़ी अच्छा दिखेगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्मॉल लेटर्स के बारे में। इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। आगे अगर कोई तकलीफ होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको 26 स्मॉल लेटर्स के बारे में बताऊंगा। फिर आपको ये कंप्लीट हो जाएगा आपका लेटर्स, उसके बाद आपको सेंटेंस में इसका कैसे जोड़ के कंबाइन करके लिखा जाता है उसके बारे में बताऊंगा। एटलीस्ट मैं आपको कैलीग्राफी के बारे में बताऊंगा। कैलीग्राफी एडवांस कर्सिव होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए थैंक यू, आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।